साइबर सिटी गुरुग्राम के दौलताबाद गांव के बिजली सब स्टेशन के सामने वाली सड़क की हालत खस्ता है। सड़क के खराब होने से यहां रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। बिजली सब स्टेशन में काम करने वाले लोगों की माने तो 2008 में गांव दौलताबाद में 400 केवी का बिजली सब स्टेशन बनाया गया, जिसकी सर्विस के लिए एक अप्रोच रोड भी अलॉट की गई थी, लेकिन मुख्य सड़क पक्की न होने से यहां काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली सब स्टेशन के सामने ड्रेनेज बनाए गए हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त न होने से बरसात के वक्त पानी सड़क के साथ साथ बिजली सब स्टेशन में भी घुस जाता है, जिसके कारण खतरा भी बढ़ जाता है। तो वहीं सड़क पर पानी इकट्ठा होने से यहां काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ट्रैक्टर पर बैठकर यहां से निकलते हैं। इस रोड को बनवाने के लिए बिजली सब स्टेशन की तरफ से सरकार को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। मैडम, ये हमारा प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था, अलॉट हुआ था जब किसी सीमेंस कंपनी, उसके बाद हमें अप्रोच रोड दी गई थी। इस पर्टिकुलर ये 46 एकड़ एरिया है पूरा टोटल, इसमें एक प्रोजेक्ट लगाया था HVPN ने 400 केवी का सबस्टेशन दौलताबाद, तो हमें एक अप्रोच रोड दी गई थी इसके लिए, जो हमारा सारा ट्रांसपोर्ट हो गए इक्विपमेंट यहाँ लग जाए। उसके बाद अभी पीछे 2011 में ये कमीशन हो गया। 2011 में कमीशन होने के बाद जब चालू हुआ तो अब अप्रोच रोड आप शायद देख के आए होंगे, वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। ये पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल डिटोरिएटेड कंडीशन में बिल्कुल टूटी पड़ी है। हमने कई बार प्रशासन को चिट्ठी ली, हमारे अधिकारी लोगों ने लिखी हुई है प्रशासन को, लेकिन यहाँ कोई अभी तक वो नहीं है। तो जरा सी बारिश आ जाती है तो हमारे जिससे हम कन्वेंस से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, बस अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं, उसमें हम कई बार हमारे कर्मचारियों को चोट भी लग गई है उसके कारण। तो हम तो यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि प्रशासन इसको अप्रोच रोड को बनाने की जल्दी से जल्दी, परेशानी है तो अप्रोच रोड है, और अभी उसके बाद तो यहाँ जो इसके रोडीमिक्स प्लांट लगा है इस पर बहुत हैवी ट्रैफिक है। तो पहले वो जो हमारा रोड बनाया था अप्रोच रोड, वो सीमेंटेड या रोडी कंक्रीट का बनाया हुआ था, वो ठीक था। तब से ये यहाँ रोडीमिक्स प्लांट लगाया है, इस पर पूरा लेयर आ गया है इसके मिट्टी का, अब यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। जैसे ही थोड़ी सी जरा सी बारिश हो जाती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमारे कोई भी कर्मचारी का आने जाने में बड़ी भारी समस्या का हम सामना कर रहे हैं यहाँ पर। प्रशासन से देखो, प्रशासन को अपने आप ही देखना चाहिए। तो हमने तो हमारा 400 केवी का सबस्टेशन पूरे एरिया में, फिर गुड़गांव में पहला है, दूसरा हमारा एक 72 में 400 केवी का, इसके लिए तो स्पेशल अप्रोच रोड होनी चाहिए, क्योंकि हम तो पूरे एरिया को बिजली फीड करते हैं यहाँ से। जब कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ आएंगे ही नहीं तो हम इसको सिस्टम को चालू कैसे करेंगे? टाइम से हमें आना और टाइम से जाना, और हमें बहुत सारे वो प्रोविजन है, हमारी तो गाड़ी ट्रैफिक यहाँ से चलता ही रहेगा, इसकी मेंटेनेंस के लिए भी हर पर्पज़ के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है, करना ही है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अभी पीछे 4-5 6 महीने बाद तो पूरा इसमें फ्लडेड हो गया था, यहाँ जो नहर है जो आपका गुड़गांव का गंदा पानी जब ड्रेन में पड़ता है उसका पूरा पानी, वहाँ से कोई ब्लॉकेज होने के कारण पूरा सबस्टेशन जलमग्न हो गया था, पूरी तरह पानी आ गया था इसमें, जिस हमारे ऑफिसर्स भी और कर्मचारी भी सारे ट्रैक्टर में बैठ बैठ के यहाँ आते थे, वो महीने 1.5-2 महीने के लगभग वो पानी यहाँ खड़ा रहा, उससे बहुत सारी बीमारियाँ अब तो बुरी हालत हो गई है। यहाँ मच्छर इतने हैं, मक्खियाँ इतनी हैं, यहाँ डंपिंग यार्ड डाल दिया गया है, इधर पॉल्यूशन इतनी है, इतना है, इधर आपके ये जो रोडीमिक्स प्लांट का प्लांट चलता है, रात को स्मोक ही स्मोक हो जाता है पूरा का पूरा, चारों तरफ से गंदगी का माहौल बना हुआ है। जबकि ये 400 केवी सबस्टेशन जब इस 2008 में यहाँ बनाया गया था, बहुत अच्छा सिनेरियो था, यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, अब तो सारा के सारा गंदे डंपिंग यार्ड यहाँ डाल दिया गया है। बिजली सब स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बारिश के वक्त पानी जमा होने से कई बार वो लोग अपनी बाइक से गंदे पानी में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें कभी कभार ज्यादा चोट लग जाती है। अब ऐसे में ये लोग हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को पक्का करवाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। मैडम, ऐसा है, हमारा रास्ता बहुत गंदा है, और गंदा नहीं इतना, एक बाइक से भी निकलना और पैदल चलना भी दुभर हो जाए। पिछली बार मैं गिरा था, यहाँ स्लिप डिस्क हो गया, एक महीने खाट में लौट के आया हूँ मैं, तो इतनी गंदी हालात है। बार बार तो कोशिश कर गई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा जी। मैं यहाँ 2020 में आया हूँ जुलाई में जी, तो उसके बाद तो पहले तो कुछ हद तक ठीक था, उसके बाद इन्हें जो अपने कंक्रीट वाले हैं इन रोड उखेड़ लिया। नहीं, अभी पानी भरा था उस टाइम पर आए हैं,
लेकिन उसके बाद वही बात है, वो ठंडा बस्ता चलाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही इस पर। दूसरा रही है इतना जी, हम भी उम्मीद है कि रास्ता साफ हो, कोई रात बरात में निकले जगह समाधान होना चाहिए जी। और दूसरा इतना जी, हमारे गेटवे पानी भर जाए, रास्ता नहीं है यहाँ पे, पहला रहे तो भी दिक्कत है जी, ये हालात है। और मैं तो यही चाहूंगा कि जी हमारा समाधान हो जाए। आपको बता दें कि ये गांव यहां के विधायक राकेश दौलताबाद का गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां की सड़क की हालत बद से बदतर है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या विधायक दौलताबाद या फिर हरियाणा सरकार अपने बिजली कर्मचारियों की फरियाद सुनती है या फिर नहीं। ऐसे ही ये कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।